तो फाइनली आप लोगों के लिए यहाँ पर रिलायंस जो कि आयुषी चार्जेस को लेकर काफी जबरदस्त न्यूज निकल कर आ रही थी। हाँ दोस्तों, जो आयुषी चार्ज आप लोग बोल रहे थे कि खत्म होने चाहिए, तो फाइनली ट्राई की तरफ से यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की न्यूज निकल कर आ रही है। वैसे आप लोग बताना कि आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जो है आयुषी चार्ज को बिल्कुल जो है जीरो पैसे कराना चाहते हैं, यानी कि आयुषी चार्ज को हटाना चाहते हैं, खत्म करवाना चाहते हैं, तो वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। देखते हैं कि कितने लोग आयुषी चार्ज को जो है यहाँ पर रिमूव करवाना चाहते हैं, तो नीचे आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयुषी चार्जेस के बारे में। आप लोगों को पता है अभी रिलायंस जियो के द्वारा जो अक्टूबर मंथ में जो है यहाँ पर आयुषी चार्ज लेना स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को पता है जो आयुषी चार्ज दिया जाता है एक ऑपरेटर से, जब दूसरे ऑपरेटर में आप कॉल करते हैं तो जिस ऑपरेटर पर आप जो है इनकमिंग रिसीव करते हैं, तो जिस ऑपरेटर से आप कॉल कर रहे हैं उस ऑपरेटर को इनकमिंग वाले ऑपरेटर को भी जो है 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से देने पड़ते हैं। तो अभी तक रिलायंस जो है सबसे ज्यादा जो आयुषी चार्ज है वो दूसरे ऑपरेटर्स को पे कर रहा था, इसलिए रिलायंस जियो ने जो आयुषी चार्ज लेना यहाँ पर स्टार्ट किया था। उसके बाद में काफी ज्यादा जो आयुषी को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा हुई और ट्राई इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले कंसल्टेंट पेपर लेकर आया था और वहां पर एक मीटिंग भी हुई थी, ओपन हाउस मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी। उसके बाद में अब फिर से दोस्तों ट्राई यहाँ पर जो कंसल्टेंट पेपर है दोस्तों वो यहाँ पर लेकर आ गया है और ट्राई के जो चेयरमैन है दोस्तों आरएस शर्मा, उन्होंने कहा है कि अब बहुत ही जल्दी जो आयुषी चार्ज को लेकर जो भी मसला चल रहा है ऑपरेटर्स के बीच में वो आपको जनवरी 2020 से पहले उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि जो आयुषी चार्ज को लेकर अभी भी जो यहाँ कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2020 से जो है ये कुछ कम किए जा सकते हैं या जीरो पैसे किए जा सकते हैं, तो आज खुद ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने बोल दिया कि जनवरी 2020 से पहले आपको आयुषी चार्ज का जो भी मसला चल रहा है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 दिसंबर 2019 तक आपको जो आयुषी चार्ज वाला जो मसला चल रहा है वो यहाँ पर जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और शायद आपको 1 जनवरी 2020 से आयुषी चार्ज ना देना पड़े। तो दोस्तों, ये काफ़ी कमाल की न्यूज़ आज आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है।